जय श्री राम। दोस्तों में कोचिंग में आपका स्वागत है। हम आपको वन प्लस वेतन के पार्ट ट्वेंटी कराने वाले हैं, जो एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही आवश्यक है। जितने सारे आपको वन प्लस वेतन कराए हैं पिछले वीडियो में, वो सारे एसएससी सीजीएल के लिए हैं। जय श्री राम दोस्तों, एसएससी मैथ कोचिंग में आपका स्वागत है। हम आपको इस वीडियो में वन ओवर सब्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से कराने वाले हैं, और अंत में आपसे दो क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका सही जवाब देने पर कमेंट बॉक्स में सही जवाब देने पर आपको ₹10 का इनाम दिया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन पे ₹5 रहेगा, पेटीएम के थ्रू दिया जाएगा। तो चलते दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पर्सन हु गिव्स हिमसेल्फ अप टू लग्जरी एंड सेक्सुअल प्लेजर, क्या जो भोग विलास में सम्मिलित हो, वैसा व्यक्ति जो भोग विलास में सम्मिलित हो, इसका वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? इसका वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा भोलू पल चुरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक। अब ऑप्शन नंबर दो में क्या गया है, ऑप्शन सही आपको करा रहे थे। ऑप्शन नंबर दो में दिया गया एम आई एबल मीन पसंद किया जाए, तो वन हु लाइकेबल क्या हो जाएगा, वन हु लाइकेबल। अब ऑप्शन नंबर तीन में एनार्चिस्ट, तो हो जाएगा जो सरकार के अनुपस्थिति को बढ़ावा देता है और कहता है कि वह व्यक्ति अपने आप के लिए खुद कानून बनाता है, तो क्या हो जाएगा, वन हु प्रमोट द आइडिया ऑफ अब्सेंस द गवर्नमेंट ऑफ एनी काइंड व्हेन एवरी मैन शुड बी ए लॉ इनटू हिमसेल्फ। अब क्या है, बाइनियल में जो गलती, वह गलती जिसे माफ किया जा सके, तो हो जाएगा ए फॉल्ट डेट मे बी फॉर गिवेन, क्या हो जाएगा, ए फॉल्ट डेट मे बी फॉर गिवेन। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में फील्ड और पार्ट ऑफ गार्डन वेयर फ्रूट ट्रीज ग्रो, बगीचा या खेत का वह भाग जहां फलों का पेड़ उगते हैं, तो इसका वन वे सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, तो इसका वन वे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और चार्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दो और चार्ड हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर एक में क्या दिया गया, एनार्चिस्ट, मतलब कि अभी ठीक पहले बताएं, जो सरकार के अनुपस्थिति को बढ़ावा देता है, कहता है कि वह व्यक्ति अपने के लिए अपना कानून खुद है, तो हो जाएगा वन हु प्रमोट द आइडिया ऑफ अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी काइंड व्हेन एवरी मैन शुड बी ए लॉ इनटू हिमसेल्फ। अब क्या है, बायनियल मीन्स क्या बोले थे, वह गलती जिसे माफ किया जा सके, तो क्या हो जाएगा, वन हु सॉरी ए फॉल्ट डेट मे बी फॉर गिवेन, ए फॉल्ट डेट मे बी फॉर गिवेन। अब ऑप्शन नंबर चार में एडजॉर्न थोड़े समय के लिए किसी के लिए कार्यवाही का रोक, तो हो जाएगा टू ब्रेक ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ ए मीटिंग फॉर ए टाइम, क्या हो जाएगा, टू ब्रेक ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ ए मीटिंग फॉर ए टाइम। अब क्वेश्चन नंबर तीन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन दिया है, समथिंग बीच नोट थ्रू और प्रोफाउंड, तो कह रहा है कि जो गहन या पूर्ण नहीं हो, जो गहन या पूर्ण नहीं हो, तो इसका वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, सुपरफिड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सुपरफिशियल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सुपरफिशियल सुपरफिज ऑप्शन नंबर एक में हो जाएगा एनार्चिस्ट। ठीक, आपको पहले बताया था, वह सरकार की अनुपस्थिति को बढ़ावा देता है और कहता है कि वह अपने लिए अपना कानून खुद है, तो क्या हो जाएगा, वन हु प्रमोट द आइडिया ऑफ अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी काइंड व्हेन एवरी मैन शुड बी अलाउ इनटू हिमसेल्फ। अब क्या, एम आई एबल मीन्स जिसे पसंद किया जा सके, तो क्या हो जाएगा, तो वन हु इज लाइकेबल बीनियल मीन्स क्या बोले थे, ठीक अभी बताए थे, वह गलती जिसे माफ किया जा सके, तो हो जाएगा ए फॉल्ट डेट मे बी फॉर गिवेन। अब क्वेश्चन नंबर चार क्या है, ए वोमैन लैक्स मोरल, तो इसका वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, तो इसका वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा होस्टेज, मतलब कि दुर्लभ चरित्र की महिला, तो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हो जाएगा इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होस्टेज।
अब ऑप्शन नंबर एक में क्या दिया है, लायर, जो कभी सत्य नहीं बोलता, हमेशा झूठ बोलता है, तो उसे क्या कहते हैं, लायर। ए पर्सन हु रेयरली स्पीक द ट्रूथ, मतलब वह व्यक्ति शायद ही कभी सच बोलता है। अब क्या है, डस्क, डस्क मीन्स होता है गधबेला। टाइम आफ्टर ट्विलाइट एंड बिफोर नाइट, मतलब क्या होता है, शाम और रात के बीच का समय। अब क्या है, प्लोई गिंगी हो जाएगा, प्लोइगिंगी, तो मतलब क्या होता है, अनेक पत्नी रखने की प्रथा, था कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ, अनेक पत्नी रखने की रिवाज। अब क्या है, पैसिफाई मीन शांत लाना, और अहिंसा, हिंसा समाप्ति की प्रक्रिया, तो क्या हो जाएगा, टू ब्रिंग पीस एंड इंड वायलेंस। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, जरूर अंत तक देखते। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉबिटेड एंड इनकम्प्लीटेड पर्सन। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डफर हो जाएगा, मंद बुद्धि वाला अयोग्य व्यक्ति हो जाएगा। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, मंद बुद्धि वाला अयोग्य व्यक्ति, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डफर। अब क्या है, एम्फीबियन, ऑप्शन नंबर में क्या दिया है, ऑप्शन में एम्फीबियन, एम्फीबियन मीन्स होता है जो जल और वायु दोनों में रहता है, जिसे उभयचर कहते हैं। तो क्या, एनिमल लिविंग ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो जल और थल दोनों में रहता है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, एमेट्यूर मीन्स होता है जो पैसा के लिए नहीं बल्कि शौकिया गेम खेलता है, तो वन हु प्लेज ए गेम फॉर प्लीजर एंड नोट प्रोफेशनली। अब क्या है, एम्फीबियन, जो अभी बताया उभयचर, जो जल और थल दोनों में रहता है, एनिमल लिविंग ऑन लैंड एंड इन वाटर। अब क्या, यूजिंग ए न्यू बर्ड, तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा न्यूलोगिज्म, ऑप्शन नंबर 1 में न्यूलोगिज्म हो जाएगा, मतलब कि नए शब्द का उपयोग, तो नए शब्द का उपयोग क्या, न्यूलोगिज्म। अब क्या, एम्बिगियस, अस्पष्ट कह सकते हैं, एम्बिगियस मीन अस्पष्ट, संदेहजनक, तो हो जाएगा डेट विच कैन बी इंटरप्टेड इन एनी वे, जिसे अनेक अर्थों में अनुवादित किया जा सके। अब क्या है, याट हो जाए, रेस के लिए एक विशेष तौर पर बनाया गया हल्का नाव, तो हो जाएगा ए लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर रेस। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 7 है, द इनडिफरेंट ऑफ प्लीजर और पेन, जो व्यक्ति सुख और दुख को एक समान मानता है, तो उसका वन ऑफ सिचुएशन क्या हो जाएगा, अस्टोइसिज्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब क्या, वेटरन मीन्स होता है उस्ताद, जो सबसे अधिक अनुभवी व्यक्ति होता है, तो क्या हो जाएगा, पर्सन हु हैज लॉन्ग एक्सपीरियंस। अब ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, रिपीटेंस मीन्स होता है पछतावा, जो अनेक का पाप का प्रायश्चित होता है, तो हो जाएगा एटोनमेंट ऑफ वंस सीन। टेलीस्कोप मीन दूरदर्शी, दूर के वस्तु को देखने वाला यंत्र, तो हो जाएगा एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स एट ए डिस्टेंस। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या, वन हु नाइदर इंटेलिजेंट और नोर डल, वैसा व्यक्ति जो ना ही तेज है ना ही बहुत बहुधा है, इसका वन ऑफ सिचुएशन क्या हो जाएगा, इसका वन ऑफ सिचुएशन हो जाएगा मेडियोकर, ऑप्शन नंबर 2। अब क्या है, प्रश्निफाई, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है प्रश्निफाई, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रश्निफाई मतलब सही उदाहरण देना, तो क्या हो जाएगा, बी द एम्बोडीमेंट और परफेक्ट एग्जांपल ऑफ, कहेंगे बी द एम्बोडीमेंट ऑफ या और परफेक्ट एग्जांपल। अब ऑप्शन नंबर 3 में एमनेस्टी मीन्स अपराधियों को सामूहिक क्षमता दान, तो ए जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल। अब ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, सर्गियोन, सर्गियोन मीन्स
जो मतलब कि बीमारी का इलाज करने वाला व्यक्ति, ए मैन हु ऑपरेटेड ऑन सिक पीपुल, ए मैन हु ऑपरेटेड ऑन सिक पीपुल। अब आपको दो क्वेश्चन दिया जा रहा है, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दो। पहला क्वेश्चन है, पर्सन हु मेलिशियसली डिस्ट्रॉयड बाय फायर इन सी डायरी। ऑप्शन नंबर, इसका चार ऑप्शन दिया गया है, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में। दूसरा क्वेश्चन है, वन हु टोटली एब्स्टेन्ड फॉर अल्कोहलिक ड्रिंक, अब इसका भी चार ऑप्शन दिया है, इसका ये दोनों प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दो और इनाम पाने का भागीदार बने। जय श्री राम।